मेरे को मैं बचपने से घूमता रहता, तो हम पता लगा कि बाबा साहब नागपुर में आने वाले हैं। नहीं, रोना रोना नहीं बुआ जी, रोना नहीं, रोना नहीं। आप अभी आपके साथ में कौन कौन रहते हैं? अभी कोई नहीं। आपके परिवार में कोई नहीं है? नहीं है, लड़के पाल वो मटन खाते हैं, तो मैं उसके घर में खाना नहीं खाता, इसलिए मेरे को नहीं पटता। अपन बौद्ध लोग हो गए ना, मटन खाना ये बिना है। अभी ये बताइए कि आप जब आप 1956 में जब यहाँ पर आए थे, उसके बाद में कब कब यहाँ पर दीक्षा भूमि में आए? हर साल आता हूँ मैं। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आज 68वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आज संपन्न हो चुका है और आज रात के 12 बज चुके हैं। और जब मैं इधर पुस्तक प्रदर्शनी इधर जब मैं मोबाइल रिचार्ज करने आया, तो मैं इसी जगह पर आया था जहाँ पर ब्लू बर्ड का एक जो स्टॉल लगा था। और ब्लू बर्ड के स्टॉल में जब मैं यहाँ पर पहुँचा, तो एक ऐसे शख्स मिले हैं जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अर्ली मॉर्निंग 9 बजे अपने 10 लाख भीम अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे। और उसी का हिस्सा एक शख्स है जो उस समय में वहाँ पर मौजूद थे और नज़दीक से उन्होंने बाबा साहब को देखा और बाबा साहब से इतने प्रभावित है वो कि अभी उनकी स्थिति किस तरह से है, आप इस शख्स को देखकर जान पाएंगे। दोस्तों तो आइए हम आपको मिलाते हैं इसी शख्स से। तो दोस्तों आप सामने में जो देख रहे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति, ये वही है। क्या नाम है आपका बुआजी? दशरथ लांजेवार। कहाँ रहते हैं? सालई गांव, पारसनी तहसील जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे उस समय आप थे, तो आप उस समय का वो ये बताइए कि आप किस तरह से यहाँ दीक्षा भूमि में आए थे? पैदल आया। दो दिन पैदल आए थे? बस नहीं चलती थी। नहीं, दो दिन लगे। हाँ, दिन लगे पैदल चलते हुए आने में। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं? बिस्कोस गांव है यहाँ से, नागपुर से बिस्कोस दूर है। अच्छा, तो जिस समय आप यहाँ दीक्षा भूमि में बाबा साहब के रहते हुए यहाँ पर आए थे, तो आपको कैसे पता चला कि बाबा साहब यहाँ पर दीक्षा लेने वाले हैं? तो क्या होगा जी, वो फीलिंग आप बताइए ना, रोने से क्या होगा? चल दीजिए, आप मन अपना हल्का मत कीजिए ना, आप तो बहुत अच्छे इंसान है कि आप बाबा साहब थे उस समय की वो जो यादें हैं वो आप ताज़ा करेंगे। रोते क्यों है? रोना नहीं चाहिए ना। आप ये बताइए, अभी 95 साल चालू है तो निकालो। अच्छा, कितने हो गए होंगे? तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं इस शख्स को, ये लांजेवार जी हैं और ये जब आए थे उस समय में इनकी उम्र लगभग 25 या 26 साल रही होगी। अब मुझे ये बताइए कि आप अभी आपके साथ में कौन कौन रहते हैं? अभी कोई नहीं। आपके परिवार में कोई नहीं है? नहीं है, लड़के पाल वो मटन खाते हैं, तो मैं उसके घर में खाना नहीं खाता, इसलिए मेरे को नहीं पटता। अपन बौद्ध लोग हो गए ना, मटन खाना ये बिना है। ये बताइए बाजी, अभी आपकी हेल्थ कैसी है? आप तंदुरुस्त है कि नहीं? ओ ठीक है, कभी बीमार नहीं हुआ, एक दिन का बुखार भी नहीं आया मेरे को। एक दिन का बुखार नहीं, आपको कभी भी बुखार नहीं आया ये बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं हिमालय के ऊपर भी चला, बर्फ के ऊपर चला, 200 कोस। हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ देखा मैंने खुद। अभी ये बताइए कि आप जब आप 1956 में जब यहाँ पर आए थे, उसके बाद में कब कब यहाँ पर दीक्षा भूमि में आए? हर साल आता हूँ मैं। हर साल अकेले आते हैं या किसी को साथ लेकर आते हैं? पहले आते थे, अभी नहीं आते कोई साथ में, तो मैं अकेला आता था। अकेले आते थे। तो अभी आप ये बताइए कि आपके साथ में आपके बच्चे नहीं है, तो आप किसके पास रहते हैं? मैं किसी के पास नहीं रहता, वो मटन खाना सीख गए, मैं मेरे को पटता नहीं। अच्छा अच्छा, तो जो बच्चे हैं वो आपको मानते हैं या नहीं मानते? मानते तो नहीं, ऐसा मानते तो मटन खाना छोड़ देते। नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं होता ना जी, हर कोई यहाँ पर आजकल के नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के जीवन में हर कोई मटन खाता है, दारू भी पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा सूंघता है, सूंघता है।
गुटखा भी खाता है, उससे आपको क्या करना है? भी नहीं खाया कैसी है तो? तो ये इसी वजह से मटन खाता है, इसलिए आप उनके पास में नहीं रहते या उनके विचारों से अलग है? अच्छा अच्छा, उनके विचार अलग है इसलिए आप दूर रहते हैं। तो रहना कहाँ होता है आपका, उनके घर में या आपका खुद का घर है अभी? नहीं नहीं, मैं नागपुर में रहता था। हाँ, तो वो प्लाट मेरा दूसरे ने कब्जा कर लिया। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप भंते जी क्यों नहीं बन गए फिर? भंते जी बना था महीना, सवा महीना, डेढ़ महीना, छः महीना बनते रहा, लेकिन भंते लोग झूठ बोलते हैं वो, इसलिए मेरे को नहीं पता। वो बनते लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े नहीं पहनते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरा ये पूछना है कि आप तो रियल में भंते जी बनते ना, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, लेकिन वो आप भंते जी बनते, आप भंते जी बनते और श्राम अकेला थोड़ी रहता, तो ये मेरे को भी उसके नाम से मेरा ही नाम बदनाम हो जाता। अच्छा, इसलिए अभी बीमार नहीं पड़ा? अभी नहीं, और एक दिन का भी बुखार नहीं है? एक दिन का ही भी बुखार नहीं है। कब से बोल रहे हैं? जब से दीक्षा लिए हैं। जब से दीक्षा लिए, दीक्षा लिया तब से, और पहले भी नहीं बीमार हुआ मैं। तो कभी बुखार भी नहीं है आपको? बुखार भी नहीं आया मेरे को बचपन से, मेरी माँ 4 साल का था तब मर गई। अच्छा, मतलब आप काफी छोटे थे। तो दोस्तों, ऐसे शख्स हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पर लिए थे उस समय में ये हिस्सा थे, और उस समय से जो है वो अभी तक कभी बीमार नहीं हुए हैं और अभी भी तंदुरुस्त है, और उनका ये कहना है कि वो अभी अपने बच्चों से दूर रहते हैं और वो अकेले रहते हैं। तो अभी तो दोस्तों उन्हें एक भजन गाना है, और जो भगवान बुद्ध के ऊपर में डिपेंडिंग है, तो आइए हम वो भजन जो है वो सुनते हैं। पद्मातील धम्म जगामध्ये वाट पाहता कोणाची, पद्मातील बौद्ध धम्म जगामध्ये वाट पाहता कोणाची, अनमोल काया जाईन वाया, वेळ पुन्हा नाही येण्याची ग, वेळ पुन्हा नाही येण्याची, अक्षणिक काळ दे मानवा, गिनती नाही माझ्या आयुष्याची, पलघडीचा नाही भरोसा, पुढे होणार माझी काय गती गा, पुढे होणार माझी काय गती, धम्म पाला तुम्ही अहिंसेचा, हिंसा करू नको कोणाची, गौतम बुद्धाने राज्य सोडले, क्रांती पाहून युद्धाची गा, क्रांती पाहून युद्धाची, परश्रियाची इच्छा ठेवू नका मनी, भावना ते दुःखाची, सोडला संसार त्या गौतम बुद्धाने, परवानाही केली कुटुंबाची गा, परवानाही केली कुटुंबाची, सर्व धम्मात धम्म शेठ आहे गौतम बुद्धाचा, शील नीती आहे या धम्माची, आता तरी तुम्ही सर्व जनतेला सांगे लांजेवार, आता तरी तुम्ही सुद्रा मानवानो, याच्या पुढे तुम्हा सांगू किती गा, याच्या पुढे तुम्हा सांगू किती, झालं बाबा। तो दोस्तों, लांजेवार जी ने जो है वह एक गीत गाया है भजन जैसा, और वो गीत जो है वो ये मैसेज देता है कि जिस तरह से भगवान बुद्ध ने जो है वो अहिंसा का जो एक मार्ग बताया, और सभी प्राणियों के ऊपर में प्रेम करना सिखाया है, उसी की जो है वो छाप जो है बुआ जी के ऊपर में पड़ी हुई है, और जिस तरह से वो बताना चाहते हैं कि जो लोग हिंसा करते हैं उनसे
भगवान बुद्ध के जो ज्ञान है, मार्ग है, उसका स्वीकार करना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए। लालजी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, एक भी क्लास पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके लड़कियों ने उनको साइन करना सिखाया है तो वो सिर्फ साइन कर पाते हैं और भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों यह लालजीवाजी रहे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।